तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेप्टी में। आप सबकी बहुत डिमांड थी कि हिंदी के एमपी क्वेश्चन बताइए, क्योंकि सबसे पहले इसी का पेपर है। 15 अप्रैल से, सॉरी 1 अप्रैल से शायद आपका पेपर स्टार्ट है, और कहीं कहीं तो 15 मार्च से भी स्टार्ट हो गया है। तो सब जगह अलग अलग समय पर स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसके बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बताया था क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल से अंदर जा करके आपको टिक लगवा करके भी बताया था। मैं पहले बताता हूँ कि कुछ वीडियो मैं लाइव में बता देता हूँ, कुछ वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको वो सेक्शन में जा करके देखना चाहिए वीडियो के कि कब कब क्या क्या वीडियो डाला है। या आपका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, जब आपको नहीं पता चलता कि मैं कब लाइव आता हूँ, कब मेरे वीडियो डलते हैं, तो आपको जो आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, इसलिए पता नहीं चल रहा होगा। सब्सक्राइब करने के बाद भी जो 3 घंटे आती है, उसमें सबसे टॉप की घंटे अगर आपने नहीं दबाया है, तब भी आपको नहीं पता चलता कब मैं लाइव आता हूँ और कब लाइव आकर के चला जाता हूँ और कब कब मेरी वीडियो डलती हैं। तो समस्या क्या है आप समझ गए हैं, और आपके लिए जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी विषय पर। हिंदी विषय के सारे एमपी क्वेश्चन बताता हूँ, और कुछ कुछ आपको थ्योरी भी समझा देता हूँ। वो थ्योरी समझा दूंगा जो एग्ज़ाम में आएगा, और जिससे आपके 15, 20, 30 नंबर तो कन्फर्म ही हैं। बाकी आगे आप पूरा 80, 75 नंबर तक इसको कैसे खींच सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपस में जुड़े नहीं हैं, दोनों में पासिंग मार्क्स 27 ऊपर आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, कई बच्चों का ये भी सवाल आता है कि गणित और बीआरएफ आपस में जुड़े हुए हैं, तो गणित में मैं 10 नंबर ले आऊँ, बीआरएफ में 40 नंबर ले आऊँ, तो दोनों मिला के पास हो कि नहीं, फेल हो जाओगे, पास नहीं होगे। देखिए 27 दूनी 54 होता है, तो दोनों मिला के तो 54 लाना है, और ऐसा करके आप पास तो होने वाले हैं नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, दोनों में पास होना जरूरी होता है। जैसे कि आपने 10वीं में साइंस का पेपर दिलाया था, तो 25 नंबर के प्रैक्टिकल में जो मिनिमम 8 या 10 रिक्वायरमेंट होते हैं, उतना लाना उसमें भी जरूरी है। वो आप प्रैक्टिकल में 2, 4, 5 नंबर ला रहे हैं, और इधर लिखित में भले आप 75 नंबर ले आए, तो क्या आप पास होते हैं? नहीं होते हैं, आपको उसका विषय फिर से दिलाना होता है। इसीलिए ध्यान रखिए, इन दोनों चीज़ें जो भी जुड़ी हैं, लगभग पासिंग मार्क या उससे हल्का कम आपको लाना अनिवार्य है। जैसे कि 27 मिनिमम जरूरी है, तो 20 से ऊपर लेके आओ, जो विषय जितना भी कठिन हो। अब 20 नहीं ला सकते भाई, 2 क्वेश्चन भी लिखोगे तो 20 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा छोड़ के ना पढ़ें, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है किसी भी विषय का, ऐसे करके तैयारी करें। आप लोड ना लें कि इतने सारे क्वेश्चन आंसर है, 5-5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और कितने सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, उतना लोड मत लो। 3 यूनिट चुनो जिनसे क्वेश्चन आना ही है, और जिस क्वेश्चन को बचा जाता है उन उन क्वेश्चन को पढ़ लो। 3 क्वेश्चन को विस्तार से लिख देना, 45 नंबर होते हैं आपका बिल्कुल सही है, और 55 नंबर भी उसका काटने का मूड है, तो 30 नंबर भी आपको दे देगा आपके लिखने के ऊपर। ठीक है, वैसे आप कम और सटीक लिखेंगे तो नंबर नहीं काटता, बल्कि 15 में 15 दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर टॉप में दिया जाता है विषय सूची में। ठीक है, तो विषय सूची आप सभी के पास होना चाहिए, और इसको ध्यान देकर के आपको समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला है पल्लवन। पल्लवन क्या है, क्या नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है पत्राचार तथा अनुवाद, तो पत्राचार और एक अच्छा अनुवादक के गुण, ये आपको पता होना चाहिए। फिर है परिभाषित शब्दावली, तो हिंदी पदनामों का इंग्लिश और अंग्रेजी पदनामों का हिंदी, ये भी पूछा जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, उसके बाद निकाय 2 में जाएंगे तो वाक्य शुद्धिकरण, वर्तनी सुधार, पर्यायवाची इत्यादि मिलेंगे, जो कि सारे ये व्याकरण खंड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर तो आपका यहाँ से भी बुक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पल्लवन की थ्योरी पर डिस्कस करते हैं, आगे फिर पूरा डिस्कस करेंगे इसको लेकर के, और आपकी पूरी आज मैं 60-75 नंबर की तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पल्लवन क्या होता है। ठीक है, पल्लवन का एक सार्थक परिभाषा या एक अर्थ आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अब अगर अब अभी नहीं पढ़े और वीडियो को पूरा देख लिए, सीख लिए, समझ लिए कि किसी भी शब्द का क्या अर्थ है, तो आप एग्जाम में बैठोगे ना तो इस चीज़ों को याद कर लेना जो मैं भी समझा रहा हूँ। 2.5 से 3 पेज तो आप आराम से लिख सकते हैं, और उतना लिखना काफ़ी है 8 नंबर आपको पाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है पल्लवन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, बुक के हिसाब से पढ़ते हैं, फिर मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, पल्लवन का तात्पर्य है विस्तार करना या बढ़ाना। पल्लवन विचारों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है, अथवा किसी सुगठित विचार या भाव के विस्तार को ही पल्लवन कहते हैं। पल्लवन संक्षेपण के विपरीत होता है। संक्षेपण मतलब संक्षिप्त रूप में कुछ कहना, ये उसके विपरीत होता है, क्योंकि हम लंबी बातें करते हैं, विस्तार से बताते हैं। पल्लवन का
पल्लवन का एक कला होने के कारण उसमें अत्यंत सावधानी रखना आवश्यक है। तो पल्लवन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो देखिए, पल्लवन का तात्पर्य इसने बताया है कि विस्तार या बढ़ावा बढ़ाना है ना। तो जैसे कि आप 10वीं 12वीं से आगे आ चुकी हैं, आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में हैं तो आपके पास 9 विषय है। 9 विषय है तो आपको ये पता होना चाहिए आप सभी का सटीक रूप से पढ़ के उत्तर नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सारे मदे दिए जाते हैं। अर्थ, परिभाषा, दूस, गोल, लाभ, विशेषता, सब चीज़ दिया जाता है। ऐसे में आप सब चीज़ तो याद नहीं कर सकते। हाँ, पढ़ते हैं आप समझने के लिए, लेकिन क्या सटीक स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहला चैप्टर हिंदी में पल्लवन का दिया गया है, ताकि आप जब हिंदी पढ़ें तो आपको ये पता चल जाए कि कॉलेज में लिखना कैसे है। कॉलेज में लिखना इस तरह से है, किसी भी टॉपिक को विस्तार से पढ़ के आपको समझना है कि ये क्या है, कि इसकी विशेषता क्या है, इसके लाभ क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। एग्जाम में वो क्या है और उसके लाभ दोष लिखिए या विशेषता या महत्व को लिखिए, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो अगर आपका उसका बेसिक डिटेल, आपको अर्थ पता है कि वो क्या चीज़ है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको स्पष्ट पता है तो आप स्पष्ट 4 लाइन लिखेंगे, नहीं पता है तो थोड़ा विस्तार से अपने मन से उदाहरण प्रकट करते हुए लिखेंगे, और वैसे ही किसी बात को विस्तार से बढ़ा चढ़ा करके बताना पल्लवन कहलाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो छोटे मोटे चुटकुले कहानी सीरीज होती है वो 10 मिनट आधे घंटे में समाप्त हो जाती है, लेकिन रामायण महाभारत जैसे जो महाकाव्य होते हैं वो बहुत धीरे धीरे लंबे और विस्तार से चलते हैं। तो जहाँ पर किसी कहानी के मुख्य घटना को दिखा देना वो एक छोटी सी कहानी होगी, और उसी कहानी के पूरे पात्र और उनकी पूरी कहानी को विस्तार से दिखाना पल्लवन हो गया। तो ये नाटक और कहानी में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पल्लवन का सामान्य अर्थ समझ गए, अपनी बातों को विस्तार से बताना। पर विस्तार से बताते समय ये नियम भी ध्यान में रखना है कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, अब आप कोको कोला क्या है, कोको कोला की ब्रांडिंग क्या है, कैसे उसने इतना बड़ा ब्रांड बनाया, कहाँ से उसने शुरुआत किया था, आपको ये भी विस्तार से बताना है। अब आप अमेरिका में गए, अब अमेरिका में कुछ और बातों में आप चले गए, वहाँ WWE फेमस है, यहाँ वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसलिए तो यहाँ है, मतलब कुछ भी वहाँ के बारे में और कुछ भी बताने लगे बात करते करते। तो कई बार होता है, आपने टीचर को भी देखा होगा, कुछ बताते बताते वो भी कहीं और चले जाते हैं, आप भी कुछ कहानी सुना रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर के, लेकिन आप बताते बताते कहीं से कहीं और चले गए। तो पल्लवन में ये शामिल नहीं है। पल्लवन में आप बात को विस्तार से कहेंगे, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, आप अपने मार्ग से भटके नहीं, जो आपको बताना है। ठीक है, तो अब क्या क्या सावधानी दी है उसको पढ़ते हैं। आई होप आपको पल्लवन का अर्थ समझ में आ गया। कोई भी भावनात्मक विचार, कहानी, प्रस्तुति जो आपके माइंड में है, उसको जितना हो सके आप विस्तार से, उदाहरण के माध्यम से, चुटकुले, मुहावरे, कुछ भी प्रयोग करके आप जितना विस्तार से बताएंगे, वही विस्तार से लिखना, बढ़ाना चढ़ाना पल्लवन कहलाता है। ठीक है, आगे पल्लवन में ध्यान रखने योग्य बातें तो देखते हैं। पहला बात क्या है, सबसे पहला बात है, सर्वप्रथम दिए गए अवतरण के मूल कथन, वाक्य सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसमें सन्निहित संपूर्ण भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो भी कोटेशन, हेडिंग और पाठ का नाम या जो भी टॉपिक दिया गया है कहानी का, उसको पढ़ करके फिर उसके अंदर को जो भी उसमें बताया गया, प्रस्तावना, प्रस्तुति, उसको पूरे डिटेल से और ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे कोई आप अखबार पढ़ते हैं कि आज अखबार में क्या घटना दी गई है, क्या क्या हुआ, जैसे कि इमेज एक छपा हुआ है जिसमें बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ही तबाही टाइप का कुछ फोटो डाल दिया है। अब आपको जानना होगा ये घटना कहाँ का है, कैसे हुआ है, कौन कौन इसमें वो हुए हैं, और किसी सेलिब्रिटी को दे दे, तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक घटना आप देखेंगे, कौन से सड़क में, कौन से जिले में, कौन से राज्य में, कौन कौन हीरो, कौन सेलिब्रिटी, कौन सा ट्रक, कैसे हुआ, इसमें से कितने लोग मरे, कौन सा घायल हुआ, आप पूरा पढ़ेंगे कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस अखबार को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक। तब आप ये नहीं देखेंगे कि आपको बोर लग रहा है, कि आपको समय जा रहा है, आपको 2 लाइन पढ़ के पूरा समझ लेना चाहिए, नहीं, आपको पता है पूरे घटना चक्र को जानना है, तो जहां से जहां तक दिया है आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ते हैं। बस कॉलेज में पढ़ते समय इसी चीज को ध्यान रखो, विस्तार करना है तो पहले विस्तार से पढ़ना सीखो, ये मत देखो समय कम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, 3 ही क्वेश्चन पढ़ो, और उस 3 क्वेश्चन को इतने डिटेल से पढ़ो, इतने डिटेल से पढ़ो कि खुद एक कवि की तरह उसकी रचना कर सको एग्जाम में बैठ करके। तो आपको कवि बनना है, समझ लो,
खुद वहाँ बैठ करके रचना करना है, तो उससे पहले आपको मैटर पता होना चाहिए। आपको मैटर ही नहीं पता है कि कल किसका झगड़ा हुआ था या किसका मैच हुआ था, अब मैच का कोई क्वेश्चन आ गया और आपको पता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज चल रही है कि न्यूजीलैंड के साथ, क्या ही लिखेंगे आप। गलती से आप लिख दिया हाँ पाकिस्तान के साथ मस्त मैच चला, उसको हमने हरा दिया। अब लो अभी की बात हो रही है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं ना। तो पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ गया आपको, पढ़ना पड़ेगा तब आप विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरा है, तब मूल विचारत्व भाव के नीचे निहित सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। देखिए मूल बात को बताने से पहले आपको कुछ सहायक बातें बतानी पड़ती है, कोई कहानी कविता का माध्यम लेना पड़ता है, तो उस बातों को, उस भावनात्मक बातों को, उस भाव को भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। जैसे आप कई टीचर से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कई टीचर डायरेक्ट किसी चैप्टर को नहीं पढ़ाते, उससे पहले वो कुछ कहानी बताते हैं और फिर उस कहानी के माध्यम से उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो उसी में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी मुख्य बात को बताने के लिए जो भी कहानी का आपने इस्तेमाल किया वो कहानी उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसे ही आप भी उसमें विस्तार से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके क्लास में कोई बच्चा बार बार जीभ निकालते रहता है या बार बार हंसते रहता है, तो ये तो बार बार पानी पीते रहता है, मतलब ऐसी हरकत कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए, और जब आप उसको मना करते हैं तो वो बोलता है मेरा आदत हो गया है। तब आप एक कहानी के माध्यम से अपनी मुख्य बातों को उसके सामने रख सकते हैं, जैसे कि आपको बोलना चाहिए आपको अपनी आदत सुधारनी चाहिए, ये गलत है, लेकिन उसको नहीं पता तो एक कहानी सुना दो। तो जैसे कि मेरे टीचर ने, मतलब हमारे टीचर ने हमें सुनाया था, मैं आपको बताता हूँ छोटी सी कहानी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक लड़का था जो बार बार जीभ को ऐसा करता था, ठीक है, अब लड़कियों को भी देख के करता था, तो कई लड़कियां बहुत परेशान थी या उसको सर को चिल्लाए हुए थे, तो उस एक मोमेंट पे जब सर पढ़ा रहे थे और किसी लड़की को देख करके, जब लड़के ने जब ऐसे ऐसे बार बार किया जीभ को, तो फिर टीचर ने तुरंत पढ़ाना रोक करके कहानी सुनाई। तो कहानी थी एक ऊंट और एक छोटा सा सियार, मुझे भी नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, तो सियार उसकी आदत ये थी सियार की कि वो खाना वाना खाता तो जैसे लोमड़ी चिल्लाता ना वैसे वो चिल्लाता या लंबी डकार मारता समझ लो। अब हुआ क्या, दोनों की दोस्ती थी, अब दोनों को पता था इस जगह पे गन्ने की खेती होती है और भी कुछ कुछ खेती होती है जहाँ पर भरपेट हम जो चाहे वो खा सकते हैं, और इस टाइम पे जो मालिक होता है वहाँ का वो आराम करते रहता है, वो माली या जो भी उसका मालिक है। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये बड़ी सी एक नदी होती है और सियार तैर नहीं सकता, तो वो नहीं जा सकता। तो उसने यूट को कहा तुम तैर सकते हो तो तुम चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, और दोनों को जाएंगे और बढ़िया दबा के खाएंगे। ठीक है, अब हुआ का ऊँट को भी खाना था, खुशी खुशी दोनों को आगे बढ़ गए। अब वो नदी आ गई, नदी आई तो ऊँट तो तैर सकता था और सियार नहीं, तो ऊँट ने पूछा तुम कैसे जाओगे, तो सियार ने कहा तुम बैठो मैं तुम्हारे ऊपर बैठता हूँ, तो ऊँट जो लंबा था वो बैठ गया, तो सियार उसके ऊपर चढ़ गया और ऊपर में बैठ गया। अब सियार उसके ऊपर में बैठ गया और वो तैरते 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 ऊँट नदी को क्रॉस कर लिया, छोटी सी नदी थी। अब वो लोग यहाँ पर जो खेत था वहाँ पर पहुँच गए और दोनों किनारे में बैठ करके मस्त चबा चबा खा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सियार का पेट भरा, सियार चिल्लाने लगा, अब ऊँट डर गया, अरे बोला चुप 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 क्या कर रहे हैं तू, चुप हो जा वरना यहाँ का जो माली है वो आ जाएगा डंडे लेकर हम लोग को मारेगा। तो बोलता है नहीं मेरी आदत है, मैं खाता हूँ तो मैं चुप नहीं रह सकता, मैं डकार लगाता हूँ। अब ऊ करके डकार लगाए पड़ा है। ठीक है, अब क्या है, ऊँट को तो पता था, ऊँट को पता था कि अब माली आता ही होगा, वो दौड़ा वहां से, वो दौड़ा और सच में माली के दौड़ने की आवाज आ गई, लाठी लेकर के चिल्लाते हुए कौन है रे करके वो दौड़ते आ गया लाठी को पटकते। अब ऊँट तो वहां से थोड़ा भाग चुका था, ठीक है, नदी के किनारे ही पहुंचने वाला था, और सियार भी दौड़ते आ गया। ठीक है, सियार भी दौड़ते आ गया, अब क्या हुआ, सियार पीछे था, सियार क्या था पीछे था, ऊँट आगे था और ऊँट को मार नहीं खाना था, इसलिए ऊँट दौड़ा 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 भागा और नदी से क्रॉस कर गया, नदी को क्रॉस कर लिया। अब सियार उधर फंस गया, अब सियार उधर फंस गया, नदी तो क्रॉस नहीं कर सकता, डंडा लेकर आया था माली, दिया उसको दमादम और मार पड़ा भी, तो
तो और मर ना जाऊं बोलकर वो नदी में कूद दिया और वो डूब के मर गया। तो कहानी से क्या सीख मिलती है? कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई भी बुरी आदत मेरी आदत है, मैं वो करूंगा उसके बिगड़ रह नहीं सकता, ऐसे नहीं कहना है। जो गलत है वो गलत है, उसको आपको सुधारना चाहिए, ठीक है? तो ये कहानी उन्होंने उस समय सुनाया था। तो ऐसे ही जब आपको पल्लवन करना होता है, तो मैंने बताया था अगर आपको आदत नहीं तो आपको आदत बनाना चाहिए, और अगर आपकी आदत गलत बनी है तो उसको आपको सुधारना चाहिए। आप किसी को डायरेक्ट आप मना नहीं कर सकते, तो ऐसे कहानी के माध्यम से आप उसको कोई मुख्य बात बताना चाहते हैं। अब उस कक्षा में क्या हुआ, सारे बच्चे समझ गए कि अगर आदत हमारी कोई बुरी आदत है तो हमें उसको सुधारना चाहिए, वरना जैसा उसके साथ हाल हुआ वैसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, ठीक है? तो मैंने आपको मुख्य बात है क्या बताई, बुरी आदत आपको सुधार लेना चाहिए, लेकिन एक कहानी के माध्यम से सुनाया। कहानी था ऊंट और सियार। तो वैसे ही जब आप किसी बात को विस्तार से बताना चाहते हैं, तो जो भी सहायक वाक्य आपने बताया उसकी भी भावनात्मक विचारों को आपको ध्यान में रखनी चाहिए या समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या बताने वाले थे क्या बता रहे हैं, जैसे कई बच्चे अरे कहानी बताएंगे बल्कि स्किप कर दिए होंगे, तो यही चीज़ें नहीं होना चाहिए पल्लवन में, ठीक है? जितना हो सके विस्तार से बता रहा हूँ ताकि वहाँ आप बिल्कुल फेंक के लिख सकें। अगला, मूल और गौर विचारों को समझ लेने के पश्चात एक 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 कर सभी निहित विचारों को एक अनुच्छेद में लिखना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है? तो मूल बातों को अगर आपने समझ लिया, छोटे छोटे सहायक छोटे छोटे बातों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सहायक वाक्य जो भी बोले गए हैं, तो उन सभी को सूची रूप में आपको लिख लेना चाहिए। जैसे कि क्या बोलते हैं, संविधान जो लिखा गया है सूची के अनुसार 1 2 3 4, उसका क उसका ख और उसका ग बोल करके, उसी तरह से संविधान की तरह अनुच्छेद की तरह आप उसको खंड में श्रेणी में लिख लेना चाहिए, जो भी उसके मुख्य बातों को और रिप्रेजेंट करता है या उसको विस्तार से बताता है, ठीक है? अगला है, अर्थ अथवा विचारों का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यथास्थान अलग कुछ उदाहरण और प्रमाण भी दिए जा सकते हैं, ठीक है? मतलब कोई मुख्य बात को समझाने के लिए डायरेक्ट मुख्य बात बोलने जरूरी नहीं है, आप कुछ कहानी या उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। ये उसका चौथा पॉइंट है। पांचवा है, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। तो पल्लवन लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें उसके उपयोग में बिल्कुल नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जिस बात को आप समझाना चाहते हैं वो वहाँ पर किसी अन्य बातों को नहीं आपको डालना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप मीठे और मीठे से संबंधित बातों के बारे में पूरा बताना चाहते हैं, अब वहाँ पर आपने करेला और मिर्ची के बारे में भी बता दिया तो वो गलत है। आपका टॉपिक था केवल मीठे के बारे में बोलना, तो केवल आपको मीठे के बारे में बोलना, बताना और लिखना है, किसी अन्य टॉपिक को शामिल नहीं करना जो उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बस यही आपको समझना, ठीक है? अगला है, पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन में मूल तथा गौड़ भाव का विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए, और भाव और भाषा के अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। पल्लवन के लिए शब्द संख्या निर्धारित की गई हो। अनुच्छेद का व्याकरण की दृष्टि से भी परीक्षण कर लेना चाहिए। और है अंत में इनकी विवेचित परिच्छेदों या विषय वस्तु को उचित स्थान पर शुद्ध रूप में लिख दिया जाना चाहिए। तो 12 पॉइंट दिया हुआ है, ये 12 के 12 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मूल भाव पर आपको कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, मतलब जो मुख्य बात मैं समझाना चाहता हूँ, अब उसके बारे में वो कुछ अच्छा बुरा या गलत बोल दूँ कि यार ये टॉपिक ही बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको उसमें शामिल नहीं करना है, ठीक है? और उसकी भाषा सरल, सुव्यवस्थित और व्यवहारिक होनी चाहिए, मतलब पढ़ने में काफ़ी सरल हो, हमें कठिन शब्द का उसमें प्रयोग नहीं करना जो पढ़ने में ऑकवर्ड लगे या जिससे अर्थ में कोई प्रभाव पड़े, और जो भी लिख रहे हो वो व्यवहारिक हो, वो जिसको पढ़ के अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि क्या क्या आपने लिख दिया बोल करके। इन्हीं सब को ध्यान में रखना है पल्लवन करते समय, ठीक है? पल्लवन के विस्तारक गुण हैं जिसमें आपको गहन अध्ययन, सूक्ष्म निरीक्षण, तार्किकता, तटस्थता, व्याख्या शक्ति संपन्न होना, भाषा अधिकार होना, मेधावी होना, अभ्यास, है ना? तो ये 8 पॉइंट है, ये 8ों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, और इन सब की आप सूची बना लें कि किस तरह से आपको पढ़ना है,
बाकी मैंने दोनों बता दिया है पल्लवन क्या है और उसके विस्तार करने की विधि। ठीक, अब पल्लवन की विशेषता, तो विशेषता उपयोगिता इन सभी को आपको पढ़ लेना है अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार में। 22 में लेटेस्ट में अगर विशेषता और पल्लवन क्या है पूछा होगा तो उस क्वेश्चन को ना पढ़ के उसके पीछे में दो जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना, और उनके आगे अगर दो क्वेश्चन होगा तो उसको पढ़ लेना। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो, आपको ये देखना है कि 22 में जो अब एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या पूछा है। मान लेते हैं पल्लवन का अर्थ और गुण पूछा हो तो उसको मत पढ़ना, पल्लवन का अर्थ तो पढ़ना है, गुण के जगह विशेषता पढ़ लो, सावधानी की बातें याद रख लो, इन इन चीज़ों को आप पढ़ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पर, बाकी धर्म मत पढ़ना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका, इन सबको मत पढ़ना। तो जो टॉपिक दिया था ना पल्लवन पत्राचार अनुवाद, तो थोड़ा पत्राचार को आप पढ़ सकते हैं, पत्राचार अभी मैं जो टॉपिक में हूँ वो पत्राचार है। ठीक है, उल्टा दिख रहा होगा। हाँ, पत्र लेखन क्या है, वैसे पत्र लेखन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अनुवाद हो जाता है, पढ़ना उसी को, पर फिर भी पत्र लेखन में पढ़ देता हूँ क्योंकि पत्र लेखन पर सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, बिलासपुर सभी ने भयंकर क्वेश्चन पूछे हैं। बस्तर तो इसमें से क्वेश्चन पूछ ही रहे बार बार लगातार, ठीक है, दुर्ग भी पूछ रहे हैं, तो ये लोग यहाँ की यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन काफ़ी कर रही है। तो आपको पत्र की आवश्यकता, महत्व और विशेषता को पढ़ लेना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो मैं अनुवाद को पढ़ता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पत्रों में कुछ कुछ पत्र भी आते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या पत्र आ सकते हैं। तो शासकीय पत्र का नमूना ये आपको पढ़ लेना है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और व्यावसायिक पत्र का नमूना, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। शासकीय पत्र आप शुरू से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन व्यावसायिक पत्र आप नहीं पढ़े हैं तो ये पढ़ लेना आपको ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ऐसे पत्र आ गए कि मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं है उस पर एक पत्र लिखिए, या नगर निगम को साफ सफाई संबंधित पत्र लिखिए, ऐसा जो भी आता है पत्र लिखना आपको आना चाहिए। हेडिंग वेडिंग सब याद कर लेना, जैसे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ लिखी जाती है। ठीक है, जैसे देखो ये आपका पेज है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रति जिसके लिए आप लिख रहे हैं उनका महोदय, पार्षद, नगर निगम, जिलाधीश, थाना प्रभारी जो भी है, प्रति के बाद उनका नाम लिखना होता है, उनका पता भी वहीं पर रहेगा, नीचे में विषय रहेगा, फिर महोदय करके आपको विस्तार करना है। राइट साइड में टॉप में यहाँ पर, यहाँ तो आपने लेफ्ट में उनका पूरा नाम पता एड्रेस लिखा, राइट साइड में दिनांक जिस तिथि को आप ये पत्र लिख रहे हैं, विस्तार से 3 से 4 लाइन में ही आपको बात रखनी है, उससे बड़ा नहीं करना है, ये पत्र का नियम है। तो देखो 3-4 लाइन में यहाँ भी बताया है, 3-4 या अधिक से अधिक 5 लाइन में आपको अपनी बात बतानी है, बीचों बीच धन्यवाद करना है, फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड में अब दिमाग वहाँ राइट में था यहाँ लेफ्ट में है, और फिर आपका अपना नाम बताना है कि भौदिया मैं, ये मेरा पता या माता पिता या मोबाइल नंबर, ये आपको लिखना होता है। ठीक है, मेन चीज़ है आपका अनुवादक को पढ़ना, और वहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनते हैं, और इसके अथवा में यही आएगा, पल्लवन के अथवा में पल्लवन ही आता है, या दोनों एक दूसरे के अथवा में भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप दोनों को विस्तार से पढ़े, कोई एक भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 चीज़ शामिल है, पल्लवन, पत्र और अनुवाद। तो पत्र का चांस कम है लेकिन अनुवाद और इसका ज़्यादा है। पत्र में क्या है, ऑप्शन के रूप में उनके अथवा में दे दें, लेकिन जो कंफर्म रूप से टॉप लेवल में आना है वो पल्लवन और अनुवाद होते हैं। ठीक है, तो जो एकदम टॉप लेवल पे है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। अब स्रोत भाषा, अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद एक अच्छे अनुवादक के गुण, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अनुवाद की आवश्यकता इसको पढ़ते हैं। आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है, मानव नित्य नए नए आविष्कार कर रहा है, इस युग में ज्ञान राशि किसी एक मानव समुदाय तक सीमित ना होकर विश्वव्यापी हो गया है, यह कार्य अनुवाद के द्वारा पूरा होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर अनुवाद ऐसी आवश्यकता बन गया है जो विश्व के विविध मानव समुदाय को परस्पर जोड़ने और ज्ञान विज्ञान
वो मानव मात्र के लिए सुलभ कराने का एकमात्र उपाय है। अनुवाद के द्वारा एक भाषा बोलने और जानने वाले दूसरे भाषा बोलने और जानने वालों तक अपने भाव और विचारों का संप्रेषण कर सकता है। अनुवाद का अर्थ, किसी के कहने के बाद कहना, किसी स्थान का अनुवर्ती कथन, पुनः कथन अथवा पुनरुक्ति करना, वर्तमान में एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या बतलाना अनुवाद कहलाता है। तो अनुवाद का सिंपल अर्थ यही है, एक के बोलने के बाद या एक भाषा में कहे बोले गए बातों को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना या बदलना या पुनरावृत्ति करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद में शब्द का अर्थ नहीं बदलता, जो उसने कहा है वही चीज़ों को हम दूसरे भाषा में लैंग्वेज में बता देंगे, वही अनुवाद होता है। ठीक है, ये आपको बता देता है। जिसके लिए क्या क्या जरूरी है, जिसके लिए आपको भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। विशेषता, तो विशेषता में क्या क्या पॉइंट है, विशेषता में पॉइंट है अनुवाद की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना। जिस भी चीज का आप अनुवाद कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए, उसका विशेष विशेषज्ञ आपको होना चाहिए, उसका ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का पूरा अधिकार हो, दोनों भाषाओं की संरचनात्मक बनावट, पदबंधन, प्रयोग, वाक्य गठन आदि की पूरी समझ हो, है ना। तो जो भी भाषा और जो भी भाषा में आपको बताना है दोनों का विशेष ज्ञान आपको होना चाहिए। सर्वप्रथम अनुवाद के मूल अवतरण को बार बार पढ़कर उसमें व्यक्त मूल भाव को भली भांति समझ लेना चाहिए। जो भी चीज़ें आप समझाना चाहते हैं उसको बार बार पढ़ के आपको ही अच्छे से समझ लेना है कि उसमें मूल बातें क्या हैं जो समझाना चाहते हैं उस लाइन के माध्यम से, वो पढ़ करके समझ करके ही आपको अनुवाद करनी चाहिए। किसी भी अवतरण में विभिन्न अर्थ होते हैं लेकिन उसके मुख्य अर्थ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अनुवाद करते समय अनुवादक को मूल अवतरण की आत्म की रक्षा करनी चाहिए, मतलब जब भी आप अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्य बातें बतानी है उसकी रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है मूल बातें ही बताना है, ये उद्देश्य है। लेकिन आप कोई सहायक वाक्य लेकर के उसको समझा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बताते 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 मुख्य बात तो चला ही गया कहीं और आप कुछ और ही बता रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मूल बात आपको ध्यान में रखना है जो बताना है। अगला जो है वो है एक अच्छे अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान पूर्वक रखना चाहिए कि किसी अनुवाद के लिए प्राप्त गद्यांश का कोई अंश ना छूट गया हो, मतलब जो भी आप बात बताना चाहते हैं उसमें जो भी आपने गद्यांश पद्यांश इस्तेमाल किया उसका कोई भी हिस्सा या कोई भी टुकड़ा भी उसका नहीं छूटना चाहिए। मुहावरे भाषा के प्रयोग से अनुवाद में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो कई बार होता क्या है, कोई व्यक्ति किसी बात को बताता है तो कोई छोटे सा नाटक, चुटकुला, कहानी, मुहावरे दे देता है जिसमें वो सुनने में और आकर्षक लगता है ना। जैसे आजकल के लोग शेरो शायरी मार देते हैं, लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या हिट हुआ था उस समय, समझ गए हो ना। तो यही चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। आठवां है अनुवादक को दोनों भाषाओं में व्याकरण का ज्ञान होना अपेक्षित है। अनुवादक को दोनों भाषाओं के पूर्णतः समझने के उपरांत अनुवाद करना चाहिए। वही चीज़ है कि जो भी व्याकरण का दोनों में नियम होते हैं कि कैसे कैसे क्या है, वो पूरा नियम आपको याद रहना चाहिए या उसकी पूरी जानकारी रहना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से अनुवाद कर सकते हैं। ये संपूर्ण गुण हैं। 10 तक गुण है और सारे गुण बहुत सिंपल है कि आपको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसके नियम का ज्ञान होना चाहिए, उसके मूल बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उसकी मूल बात नहीं बदलनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वैसे करके पूरा 10 पॉइंट बताया है और 100 पॉइंट इंपॉर्टेंट है अनुवादक के। अनुवाद के प्रकार आपको पढ़ लेना है, सब यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कोई एक नहीं। ठीक, तो अनुवाद के जो 2-3 क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपका 5-10 नंबर का है वो मैं बताता हूँ, वो ये है हिंदी पदनाम का अंग्रेजी, अंग्रेजी पदनाम का हिंदी। ठीक है, सीधा उल्टा जो भी दिख रहा हो, ये आपको पेज नंबर यहाँ 40 में दिया और मेरे पास जो है वो 2021 का है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट का नहीं है, पर जो भी मेरे को मिला मैं उसे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ लेटेस्ट आप देख के जाना। और छोटे क्वेश्चनों में पिछले साल का भी पूछे देता है, बहुत बड़े क्वेश्चन में क्वेश्चन को बदल के पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको निकाल देते हैं और अब आपको बताते हैं। तो
जैसे कि लिखा है, उच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल, जनसंख्या, अध्यादेश, संपादक, शपथ लिपिक, इन सबको हिंदी में अगर दिया तो आपको अंग्रेजी में लिखना रहेगा, और अगर अंग्रेजी में लिखा रहे जैसे कि हाई कोर्ट एविडेंस ऑफिसर मैनेजर ऐसा दिया रहेगा तो आपको उसको हिंदी में लिखना है। तो दोनों पढ़ के जाना। कई बार क्या होता है, 8 होते का तो उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, आप हिंदी हिंदी का अंग्रेजी लिख सकते हैं या कुछ अंग्रेजी का हिंदी मिला के कोई 5 सवाल करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ के जाना, वो चाहे 20 हो चाहे 25 हो, एक शब्द है उसका हिंदी अंग्रेजी पता होना चाहिए, एक व्याकरण और ग्रामर की तरह है, उस पर कंजूसी मत करना, क्योंकि जहाँ को किसी चीज़ को विस्तार से लिखने पर 5 से 10 नंबर मिलेंगे, वहाँ बस इनका एक पक्ष दिया रहेगा, दूसरे पक्ष को लिखना है, हिंदी दिया रहेगा तो अंग्रेजी लिखना है, अंग्रेजी दिया रहेगा तो हिंदी लिखना है, तुरंत 5-10 नंबर 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अब स्मार्ट वर्क करना है तो इस सब को नहीं छोड़ना, और अगर आपको लगता है ये फालतू है तो छोड़ के आगे बढ़ो, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जितने भी पेज में दिए हैं पढ़ लेना, क्योंकि वही वर्ड देखना बार बार मिलेगा आपको। ये भले आपको 50 तो दिखे या 100 तो दिखे, उसमें से 20-25 तो रिपीटेड वर्ड होते हैं, जो पीछे दिए हैं उन्हीं को बार बार इधर दिया रहता है। तो देखो, जो प्रशासनिक और कॉमर्स के क्षेत्र में जैसे लेखाकार हो गया, संपादक हो गया, एजेंट हो गया, इनका हिंदी इंग्लिश याद करना, और जितने प्रशासनिक शब्द हैं जैसे कि ऑफिसर हो गया, लेखापाल हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना इतना पढ़ करके जानना, याद रखना, इन्हीं में से आपका 5-10 नंबर का आएगा। ठीक है, जो विस्तार से हम बहुत सारा दिया हुआ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये ईदगाह कहानी और मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जो क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, ये कोई फिक्स नहीं है, और अभी तक तो बीते सालों में इसको पूछा भी नहीं है, तो यहाँ से तो मैं कोई इंपॉर्टेंट आपको नहीं कहूँगा कि आपको इसमें अपना समय देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कई यूनिवर्सिटी पूछ रही होगी तो इनमें से कोई 2-3 क्वेश्चन आंसर खुद से पढ़ लेना, बाकी इसमें मैं कोई विस्तार से चर्चा नहीं करने वाला। आगे है शुद्धिकरण का पूरा यूनिट 2, जिसमें शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द, वर्तनी सुधार इत्यादि है। यहाँ पर मैं बताऊँगा जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब क्या क्या है देखो, सबसे पहले अशुद्धियों का वर्गीकरण कीजिए या अशुद्धियों को स्पष्ट कीजिए उदाहरण के माध्यम से। इसका एक विशेष थ्योरी है, अशुद्धि क्या होती है, गलती होती है। आपने अभी अशुद्धि का संशोधन पढ़ा होगा, जिसमें मैंने थ्योरी समझाया था, तो कुछ कुछ आपको पता होगा, यहाँ पर भी पढ़ लेना, बहुत सिंपल है, कुछ भी फेंक के लिख सकते हो। अशुद्धि क्या है, शुद्ध कैसे करना, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब किस किस तरह का अशुद्धि है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया, टच हो इधर, ये शायद क्लीन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ, ये अभिषेक लिखा है, यहाँ पर भी अभिषेक लिखा है, दोनों में अभिषेक लिखा है। ठीक है, लेकिन एक में है श सलजम वाला और एक में श षटकोण वाला, बस यही अंतर है। तो अशुद्धि का सुधार जो दिया जाएगा, वर्धनी सुधार भी इसी में आता है, मात्राओं का जो सुधार होता है, यहाँ पर छोटा ई की जगह बड़ा ई लगा होगा, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा होगा, ये वर्धनी सुधार हो जाएगा। जहाँ व्यंजनों में अशुद्धि है, क की जगह ख लिख देना, श की जगह श लिख देना, इस तरह के अंतर एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये भी कम से कम 20-25 पूरा आपको पढ़ के देख के जाना है, और उसमें याद नहीं करना है भाई मेरे, याद कुछ नहीं करना है, देख लेना है। जैसे आप कठिन बोलते हैं तो कठिन में छोटा ही रहता है कि बड़ा ही, अच्छे से देख लो, याद करके चले जाओ कि हाँ भाई कठिन में ऐसा ही कठिन लिखना है, ये सही है ये गलत है। तो जो गलत है ना, आपकी नज़रें पहचान जाएंगी कि ये गलत है, तो एग्ज़ाम में अगर गलत दिया रहेगा तो आप बिल्कुल सही लिख करके आएंगे, और सही दिया तो फिर आप गलत उसको नहीं कर सकते, उसको वैसे का वैसे उतारेंगे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, कॉलेज में आ चुके हो, अगर शब्द गलत है तो आपको पहचानना आना चाहिए, तो इसमें कोई कंजूसी मत करना, इसको विस्तार से पढ़ो, अभी भी बहुत समय है। ठीक है, आगे बढ़ें, कितने नंबर का आएगा, 5 से 10 नंबर का आएगा, क्योंकि दोनों ही आता है अभी, दोनों मतलब अभी जो मैंने वाक्य की शुद्धि बताई, वर्तनी की अशुद्धि बताई, दोनों आएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची भी पढ़ना है आपको, विलोम शब्द भी पढ़ना है, 5-5 नंबर के वो लोग भी आते हैं, तो यही 10-15 नंबर में पूरा यूनिट 2 से आने वाला है। हाँ, उपसर्ग प्रत्यय भी अगर दिया होगा, जैसे कि कुछ शब्दों के सामने में कुछ दो शब्द हम लगाते हैं और अर्थ बदल जाता है,
जैसे ज्ञान के सामने अ लगा दो तो अज्ञान हो जाएगा, तो एक नया शब्द बन गया। तो ये प्रत्यय उपसर्ग भी आपको पता होना चाहिए, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ विस्तार से पूरे यूनिट 2 में इसको दिया हुआ है, ठीक है। विलोम शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, सुश्रुत और समुचित शब्द भी दिया हुआ है, ठीक है। इनको भी थोड़ा पढ़ लेना। मुहावरे भी आते हैं 10 से 15 नंबर के, इनको भी देख लेना, हाँ छोड़ना मत, ठीक है, बता रहा हूँ, ये भी आते हैं। किस पर्टिकुलर टॉपिक को मुख्य रूप से पूछेगा वो आपकी यूनिवर्सिटी से डिसाइड करेगी, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वाक्य शुद्धिकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सभी आपको पढ़ के जाना अनिवार्य है, ठीक है। 35 मिनट हो गया है और यहाँ पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। हाँ, जब आप वीडियो देखेंगे तब आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे पास अजय माला नहीं है या हमारे पास पर्यायवाची नहीं है, तो हमें PDF सेंड कर दीजिए, तो फ़ोटो खींच के मैं भेज दूंगा आपने टेलीग्राम में। लेकिन आपके पास है रॉ मटेरियल है जिसे आपको पढ़ना है, जो भी सामग्री है, पुस्तकें हैं, जयमाला आपके पास है, तो फिर बस ढूंढो, टिक लगाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है। इकाई 3 में मुख्य टॉपिक है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, इसकी विशेषता, इसके महत्व या इसके विकास पर प्रकाश डालिए, ये 2-3 चीज़ें इसमें पढ़ लेना है। क्या कह, देखो बताता हूँ। सबसे पहले देवनागरी लिपि किसी भी भाषा का ध्वन्यात्मक प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि ही वैज्ञानिक और पूर्ण कहलाएगी। संसार के अन्य लिपियों की समक्षता में जब हम देवनागरी को देखते रहते हैं तो इसमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं और गुण हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पहला, यह लिपि वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित एवं प्रतिनिधित्व करने वाली लिपि चिन्ह और अरे वीडियो रुक चुका है, अच्छा चल रहा है, चल रहा है, हमारे आँखों को देखो भ्रम हो गया, मुझे लगा वीडियो ही रुक गया है। तो ऐसे कर करके लगभग 13 पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ने में मेरा समय जाएगा, लेकिन हाँ आपको पता है देवनागरी लिपि आपको पढ़ लेना है, यह IMP है। देवनागरी लिपि का विकास है, ये भी आपको पढ़ लेना है। देखो बहुत बड़ा दिया होगा तो अपने मन से आपको एक 2 पेज दिया है, इतना पढ़ने के बाद आपको इसका हाफ भी पढ़ने का मन हो रहा है तो ठीक है हाफ पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, छोड़ना नहीं है। देखो कहने का मतलब यह है किसी प्रश्न के उत्तर 4 पेज में दिया हो और आपको अगर 1 से 2 पेज याद हो रहा है तो बस उतना ही याद करो और एग्जाम में जाके उतना ही लिखो, थोड़ा फेंक लेना, नहीं बनता तो बस जितना पता उतना लिखना। ऐसे में क्या होता है आपकी ईमानदारी पर, आपने जो भी सटीक और सही रूप में लिखा है उससे आपको बाकी फेंकने वाले से तो अच्छा ही नंबर मिलेगा। मतलब जो फेंक के 30-35 पाएगा और आप कम लिख करके देखना आप 40 से 45 पा जाएंगे उसी से ज़्यादा। तो ये होता है, मैंने इसको पर्सनली अनुभव किया है, फेंकने के बजाय सटीक रूप में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर विस्तार करके ही लिखनी होती है तो वहाँ पर विस्तार करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक नगरी लिपि की विशेषता दिया है जिसको बिलासपुर नहीं दुर्ग यूनिवर्सिटी ने पूछा है और वो भी 2018 में पूछा था और उसके नीचे वाले को भी उसने 18 और 19 में भी पूछा है, तो फिर ये मेरे ख्याल से अभी अभी लेटेस्ट में पूछ लिया होगा क्योंकि पुराने को मुझे नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। देवनागरी लिपि में किए गए क्रमिक सुधारों पर प्रकाश डालिए, और यहाँ पर जो दिया है ना उसको बिलासपुर ने पूछा है, दुर्ग ने भी पूछा है, 2018 में बिलासपुर ने पूछा है, 2019 में दुर्ग ने पूछा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देवनागरी लिपि से आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। अपठित गद्यांश का अर्थ और उसके महत्व और इस पर प्रकाश डालिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी सभी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, सब ने पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इत्तु से में ही आंसर इनका दिया हुआ है, 7 से 8 नंबर का ही इसका मतलब डिसाइड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।
फिर है संक्षेपण, संक्षेपण के महत्व। अब यूनिट 4 में है कि 3 में नहीं पता, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यूनिट बदल गया होगा। यहाँ पर संक्षेपण का एक बहुत महत्व है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ता, इससे क्वेश्चन देता है। संक्षेपण क्या है? आपने जो पहला भी अध्याय पढ़ा पल्लवन, उसका उल्टा है। पल्लवन में आप किसी बात को विस्तार से बताते हैं बढ़ा चढ़ा कर, उदाहरण के माध्यम से, अर्थ नहीं बदलना चाहिए पर आप उस बात को बताते हैं बड़े विस्तार से। संक्षेपण में क्या होता है? दोहरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी कहानी वहानी का उपयोग नहीं करना है, जो बोलना है सटीक बोलना है, उस शब्द का प्रयोग करो, उस शब्द का अर्थ आप पूरा स्पष्ट बता दो। तो बिना कुछ फेंके, बिना कुछ एक्स्ट्रा बात किए, बिना दोहरे शब्द का, जिसके एक शब्द के अलग अर्थ हो, डबल डबल अर्थ हो, इन शब्द का प्रयोग किए बिना सटीक रूप में जो भी आपको कहना है उस बात को तो अगर आप संक्षिप्त रूप में कहते हैं, वही होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो ये संक्षिप्तीकरण मैंने सामान्य अर्थ बताया, आप इस पर महत्व और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। जब आप पत्र वगैरह लिखते हैं ना, तब यही चीज़ें काम आती है, पत्रों के लिए चीज़ों को बनाया गया है। पत्र में अगर आप थाना प्रभारी को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, किसी विदेशी व्यक्ति को जो जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं, हर जगह अगर आप पत्रों में संक्षिप्तीकरण का सिद्धांत अपनाते हैं तो सामने वाले के ऊपर आपकी विशेष छवि जमती है। ठीक है, एक अच्छी छवि आती है कि इनको अपनी बात सटीक रूप में कहना आता है, आप फेंकते नहीं हैं। तो संक्षेपण की परिभाषा, किसी विस्तृत विवरण और सविस्तार व्याख्या, व्यक्तित्व, पत्र व्यवहार का लेखा के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोग को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों को त्याग कर और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों को प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। इस परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः रचना है, उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण और पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। इसे हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथों का संक्षिप्तीकरण संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकलन और बड़े चित्रों का छोटा चित्रण होता है, जिसमें मूल की कोई भी आवश्यकता या बात छूटने नहीं पाती, अनावश्यक बातें छांट कर निकाल दी जाती है और मूल बातें रख ली जाती हैं। यह काम सरल नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। देखिए, बातों को संक्षेप में कहना है तो उसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना भी है तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादातर फेंक के किसी चीज़ों को बताते हैं। तो संक्षेपण का अर्थ वही है, वो फालतू है जो अनावश्यक है, वो कहानी, उदाहरण, माध्यम, दोहरे बात, इन सब को त्याग करके मुख्य बातों को अपनाना है जो आपको बताना है। ठीक है, यह है संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या है, उसकी उपयोगिता, महत्व पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये एक से लेकर के 11 पॉइंट में दिया हुआ है और सारे पॉइंट इतना सरल है क्या बताऊँ, बस आपको एक बार पढ़ना है। एक बार भी नहीं समझ में आया, दो बार पढ़ना है, तीन बार पढ़ना है, चार बार पढ़ना है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। चार बार में भी अगर आपको कोई चीज़ याद या समझ नहीं आती, याद तो छोड़ो, समझ नहीं आती तो फिर मत समझो, लेकिन आप ध्यान दो विस्तार से, ध्यान से, धैर्य के साथ, थोड़ा रुक रुक कर अगर आप 4-5 बार पढ़ते हैं ना, तो कोई भी टॉपिक हो आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि होता क्या है, कई बार आपका दिमाग सही स्थिति में नहीं होता, कुछ और माइंड में चलती रहती हो, तो उस वक्त समझ में नहीं आएगा, मैं समझ सकता हूँ। तो दो बार भी नहीं समझ में आना तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बाद में पढ़ लेना, लेकिन फिर उसको टच करो, अगले दिन फिर एक बार टच करो, तो 2-3 दिन तक अगर आप एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो मेरे ख्याल से तब तक तो समझ में आ ही जाएगा। अब ये मत बोलो समय नहीं है, समय है, हर पेपर में 3-4 दिन का छुट्टी है। ठीक है, अब भोला राम का जीव, तो भोला राम का जीव में जो भी कहानी है सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर क्या क्या पढ़ने बता देता हूँ। ठीक है, भोला राम का जीव में के माध्यम से आप किस समस्या पर प्रकाश डालेंगे, उस पर वो जो भी है वो पढ़ लेंगे। भोला राम के जीव को किसने और क्यों ढूंढा, प्रस्तुत कहानी में भोला राम जीवन का समाज का एक दर्पण है, इसको सिद्ध कीजिए, ये पढ़ लेना है। मकान मालिक के प्रति लेखक की क्या सोच है, भोला राम के मरने का सही कारण क्या था, भोला राम के जीवन का सारांश लिखिए। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में। अब आए हैं हम यूनिट 4 में, बाप रे अभी हम 3 में थे।
यूनिट 4 में कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर की परिकल्पना और धारणा क्या है, तो कंप्यूटर का अर्थ उपयोग परिचय आपको पढ़ना होगा यहाँ से। ठीक है, भाषा से कंप्यूटर की क्या अपेक्षाएं हैं ये पढ़ लेना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी घटकों का क्वेश्चन पूछा जाता है, और कंप्यूटर तकनीक विकास की संभावनाएं और इस विषय पर एक लेख लिखे करके दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है स्पष्ट कीजिए, यही क्वेश्चन है। इंटरनेट को समझाइए, तो ये जो 4-5 क्वेश्चन बताए हैं यूनिट 4 से इसको पढ़ लेना, फिर बाकी शिकागो से जो भी क्वेश्चन है उसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो मैंने बताया है ये पूछेगा, है ना। यहाँ से पढ़ो ना, वैसे यूनिट 3 में जो पूरा देवनागरी लिपि से जो भी चालू हुआ था वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन उठ नहीं है। अब यूनिट 5, यूनिट 5 में मानक भाषा, मानक हिंदी की आवश्यकता, मानक हिंदी भाषा किसे कहते हैं, उसके प्रमुख लक्षण, और मानक और उपमानक भाषा क्या है, अभिप्राय दोनों में अंतर। ठीक, इतना आपके लिए जरूरी है, इतना आपको पढ़ लेना है। ठीक ठीक उसके बाद फिर इधर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब गिनती 45, 47, 46, 48 जो होता है ना वो सब लिखने के लिए जा सकता है शुद्ध हिंदी में, बस सही है। तो ये रहे हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, और जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने सब बता दिया। कुछ में 4-5 ठो भी बताया हूँ, कुछ में 2-3 ठो भी बताया हूँ, पर जितना बताया हूँ उनमें से ही क्वेश्चन आपको छांट करके एग्जाम में दिया जाता है। तो आपका बस एक ही काम रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो फिर आपका क्या होगा, आप खुद समझ रहे हैं। लेकिन आप पढ़ लेते हैं मेरे बताए हुए क्वेश्चन को, तो ऐसा है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो निराश होकर के नहीं आएंगे। जो भी पढ़े रहेंगे वो एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आप लिख पाते हैं कि नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। तो पल्लवन, देवनागरी लिपि, अनुवाद, पत्राचार, कंप्यूटर, जितने भी व्याकरण के थे इन सभी को, मानक भाषा, जितने मैंने मुख्य मुख्य अभी अभी शब्दों का नाम लिया इन सबको पढ़ लेना। इन सब से 8-7-5, 8-7-5 नंबर मिला करके भी क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 40 नंबर से ऊपर के आपसे क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। और अगर आप लिख सकते हैं ना, पढ़े और कुछ भी उसमें से टॉपिक समझ करके उसके बारे में अगर आप 1-1.5 पेज लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका 7-5 से ऊपर का नंबर आपका कहीं नहीं गया, 5 तो लगभग मिलेंगे आपको। आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 8 × 5 = 40, 68 नंबर मिल गया तो 8 × 8 = 64। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे, ये बाकी विषय जैसे नहीं, 1 तो 15 नंबर का आएगा, ये 3, 4, 5, 1, 2 सब नंबर के देते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट है। तो अब कोई भी डाउट है या कुछ भी चाहिए इसमें से तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको फोटो फोटो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी सबको समझ में आ गया, अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत का भी मुझे फल मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।